आज लाई हूँ स्पेशल मिठाई जो कि बिना गैस जलाए मिनटों में बनाने वाले। सबसे बड़ी बात है फटाफट बनने वाली है। यहाँ मैंने एक कटोरी लिया डेसिक्रेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा और पौना कटोरी 3/4 कटोरी लिया मिल्क पाउडर, आधा कटोरी लिया पिसी चीनी, थोड़ा सा दूध लिया है जैसे 3-4 चम्मच भी हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट लिया है वो मैंने फिलिंग के लिए लिया है, लेकिन उसके बदले आप कुछ और भी फिलिंग इसकी डाल सकते हो। आप जितनी चाहो बना लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना ज्यादा झंझट है, बस कटोरियों से नाप लो हर चीज को और इसी रेशो से डालिए तो बहुत ही बढ़िया है। अब हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हाथों में ग्लव्स पहने या ना पहने इस तरीके से एक डो बना लीजिए। सारे मिश्रण को मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें जो दूध डालेंगे बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि पिसी चीनी जब हम डालते हैं ना तो बहुत जल्दी से ना सॉफ्ट कर देता है, और दूध ठंडा डालें। हमें इसी तरीके से इसका डो बना के रख देना है। ये तो हमने तैयारी कर ली, हो गई ना मिनटों में। अब चलते हैं इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। जो हम स्टफिंग बनाएंगे उसके लिए मैंने थोड़े से काजू और थोड़ी सी बादाम लिए। यहाँ पर मेरे पास बादाम और काजू है, उसे मैं मिक्सी में डाल देती हूँ। थोड़े से मैंने पिस्ते भी डाल दिए। इन सब को मैं एक साथ ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बहुत बढ़िया इसको कोर्सली ग्राइंड किया है, पाउडरी नहीं बनाया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर जो मैंने पहले से भिगा के रखा था। ये वाला जो मिश्रण है हमारे पास उसको इसके अंदर डालेंगे, जिससे हमें थोड़ी बाइंडिंग मिलेगी। बस थोड़ी 2-3 चम्मच, थोड़ा सा दूध डाल के इसका भी एक डो बनाएंगे। बहुत ही आसान है, मतलब आप सेम डे अगर बनाना चाहें तभी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ काम ही नहीं है। ध्यान यही रखना है कि इस मिठाई को ना बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, गीली भी नहीं होनी चाहिए। अब लेंगे हाथों में जरा सा घी, जिससे हाथ चिकने हो जाए। मिश्रण में हमें डालना नहीं है और इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत बढ़िया सरप्राइज भी देने वाली हूँ, एक नया सा शेप आपको देने वाली हूँ जो कि बहुत ही अट्रैक्ट करेगा। मैं बराबर के 6 पीस बना रही हूँ। ये 6 से हमारे 12 पीस तैयार हो जाएंगे। अब हाथों को साफ करने के बाद ही आप वाइट डो को हाथ लगाइए, वरना क्या होगा, ये भी पीला हो जाएगा। और इसके भी हमें 6 बॉल बनाने हैं, लेकिन इससे थोड़े बड़े। हमें उतने ही बॉल्स बनाने हैं जितने के काउंटिंग में हमारी फिलिंग है, बस बनाने बड़े हैं हमें। अब इस बड़े वाले बॉल को लेना है, इसे इस तरीके से दबाना है, जिस तरीके से मार्केट में मिलती है ना काजू की कचौड़ी, बस उसी तरीके से मैं ये बना रही हूँ। आप इसे स्टफ पेड़ा कह सकते हो, काजू की कचौड़ी बोल सकते हो, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट तो यूज़ किया लेकिन अंदर यूज़ किया, बाहर वाली कोटिंग में नहीं किया। ये डो अगर गीला होता तो बहुत दिक्कत आती, तो इस बात का सिर्फ मिठाई में ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा गीला मिश्रण ना हो, बाकी कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सख्त बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए गीला भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसको पेड़े नुमा शेप दे दीजिए या कचौड़ी टाइप, एक्चुअली ये टिक्की टाइप भी लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है शेप, बस इसी तरीके से शेप देते जाइए। अभी तक मैंने कोई मोल्ड वगैरह यूज़ नहीं किया, तो आसान है इसे बनाना, हाथों से ही बना डालिए। सबसे बड़ी बात है फटाफट बनने वाली है। इसे हमने पैक कर दिया है, अब चलते हैं इसकी डेकोरेशन करने के लिए। यहाँ मैंने डेकोरेशन के लिए कुछ सूखे गुलाब की पत्तियों को ले लिया है, केसर भीगी हुई ले ली है, और जो पिस्ते होते हैं ना उन्हें मैं हमेशा पानी में बॉईल करती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी में मतलब, और उसके बाद उसकी स्किन हटा देती हूँ, तो ग्रीन कलर का जो पिस्ता होता है ना उसे मैं इस तरीके से कट करके रखती हूँ, तो मिठाइयों में ना ये बहुत सुंदर लगता है। अब हम लेंगे यहाँ पर वर्क। आप चाहें तो पूजा में वर्क यूज़ ना करना चाहें तो ना करें, पर क्योंकि मार्केट में इसी तरीके से मिठाई सजी हुई होती है ना, तो मैंने इसी तरीके से वर्क लगाई है। वर्क लगाने का भी एक तरीका होता है, पेपर पर आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं, इसी तरीके से वर्क लगा दें। अब इसे आप इस तरीके से कट कीजिए, ये देखिए अंदर से फिलिंग दिख रही है। अब आप इसके ऊपर डेकोरेट कीजिए। सबसे पहले हम केसर लगा देते हैं, केसर वाला पानी, इसके ऊपर गुलाब की पत्तियाँ और पिस्ते की कतरन, और बहुत ही सुंदर ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपने मार्केट से 1000-1200 वाली मिठाई आपने खरीदी है, जो कि हमारे घर में मुश्किल से सिर्फ 100 रुपये के खर्चे में बन पाई है।